तो चलिए अब आपको सीधा चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 26 तक ग्रामीण और शहरी घटकों के लिए 2131.71 करोड़ रुपए की राशि सिफारिश की है। अब ये जब ये केजरीवाल जब बात करेंगे तो यहां जरूर कहेंगे मेरा वर्ल्ड लेवल का मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास बोलते हैं, जिसको आजकल दिल्ली में थर्ड क्लास बोला। क्यों? आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक छोटे से मारुति वैन में भी दो लोगों की टीम गई है और कोरोना का टेस्ट करके आई होगी, और यहां इनके वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में न टेस्ट हुआ, न किसी को दवाइयां मिली, सब बंद करके भाग गए। डिस्पेंसरी छोटे छोटे, ये सब सुभाष भाई साहब जो मैं जानकारियां दे रहा हूं ये लोगों की होश उड़ा देगी। और मैंने एक दिन जब किसी बड़े चैनल पे बोल दिया कि इनके तो मोहल्ला क्लिनिक बंद है, तो मुझे दावा किया क्या बात करते हैं, सब खुली हुई है। तो हमें एक ने कहा कि आइए इस जगह आके देखिए खुली हुई है, तो मैं तो समझ ही गया उसको खुलवा देगा, तो मैं कहा मैं आ रहा हूं, और वहां कह के मैं दूसरी जगह पहुंच गया। फिर लगे लोग वीडियो डालने, ये भी बंद वो भी बंद। लोग कोविड के बाद जो इनकी असलियत खुली है, क्यों? देखिए हमारी सरकार तो पीजीआई जैसे हॉस्पिटल का, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार पीजीआई जैसे हॉस्पिटल की समर्थक है। वो चाहती है पंजाब में पीजीआई जैसे, और भी अभी तो प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे फिरोजपुर, जो घटनाएं घटी आप सबको उसका दुख होगा ही, सबको जानकारी है ही, लेकिन वो फिरोजपुर में एक सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन करने वाले पीजीआई की। हम लोग लगातार पंजाब में स्वास्थ्य व्यवस्था को उत्तम से उत्तम करना चाहते हैं, यहां तक कि आपको पता होगा हमारा एक योजना है मोदी सरकार का आयुष्मान योजना, जिसमें हम 5 लाख तक गरीबों को फ्री इलाज करवाते हैं। वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बैन किया हुआ है कि उससे मोदी का नाम हो जाए, बीजेपी का नाम हो जाए।